पुलिस दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के साथी प्रताप सिंह खाचरेवास, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, एचीएस होम आनंद कुमार जी, डीजी साहब अमित मिश्रा जी, राजेश शर्मा जी, तमाम उपस्थित अधिकारीगण, पूर्व अधिकारीगण, पुलिस कर्मी उपस्थित हुए, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर हमारी पुलिस की सभी डिवीजन पार्षद को मैं अपने ओर से बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। राजस्थान को एक शांत व सुरक्षित प्रदेश माना जाता है, जिसका श्रेय भी राजस्थान पुलिस को ही मिलता है। ये पुलिस ही वर्दी का एक बाल होता है, जिसके कारण खराब से खराब परिस्थिति होने पर भी सबसे पहले पुलिस को याद किया जाता है। मुझे कहते हैं गर्व है कि कोविड के दौरान मेडिकल कर्मियों ने जैसी लड़ाई अस्पतालों में लड़ी, वैसी लड़ाई पुलिस कर्मियों ने अस्पताल के बाहर लड़ी। कोविड के दौरान पुलिस कर्मियों का एक नया मानवीय रूप जनता को देखने को मिला, ये मेरे लिए फख्र की बात। गृह मंत्री होने के नाते हमारी पुलिस को इसी संवेदनशीलता के साथ काम करने का अवसर मिला। जैसे कोई भी व्यक्ति पुलिस को फोन करने में संकोच, झिझक या परेशानी महसूस करता है, मुझे खुशी है कि कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें पीड़ित और अपराधी पक्ष के बीच अनेक काम हमारी दबाव से भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तक हो गए, परंतु पुलिस की बेहतर जांच और साइंटिफिक एविडेंस के कलेक्शन के कारण अपराधी को सजा मिली और पीड़ित को न्याय मिला। हमें समझना होगा कि एक लोकतंत्र में त्वरित न्याय कभी भी समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि वह गलत रास्ते पर ले जाएगा। हमें अपराधियों पर नियमों के दायरे में रहकर ही सख्ती करनी होगी, जैसी बीते एक दो महीनों में राजस्थान ने देखने को मिली। क्योंकि एक महीने में पुलिस ने झुकेगा नहीं के अप्रोच से काम किया, जिसके कारण अपराधों में 10% कमी भी आई। मैंने देखा है पिछले डेढ़ महीने से चला जा रहे पुलिस ऑपरेशन के कारण गुंडे व हिस्ट्री से अहिंसा का पा रहे। पहले